हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा, महादेव का परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत। और जैसा कि आप जानते हैं, 3 जुलाई को बुध प्रदोष व्रत किया जाएगा। बुध प्रदोष में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल की जो पूजा होगी महादेव की वो किस मुहूर्त में की जाएगी, ये बहुत विशेष है। क्योंकि पूजा का जो सही समय होता है वो हमारे ग्रहों को नियंत्रित करता है और महादेव की विशेष कृपा दिलाने वाला होता है। वैसे तो हर प्रदोष अपने आप में बहुत ही विशेष होता है, परंतु बुधवार का प्रदोष जो होता है वो गजानन गणेश की कृपा दिलाने वाला होता है। तो इस प्रदोष का व्रत करने से बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं और मैंने उपाय अपने चैनल इसी चैनल पे आपको बता रखा है कि बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो किस तरह आप उसे दूर कर सकते हैं, उस उपाय को देखें और प्रदोष काल में आप अवश्य करें। अब चलिए जान लेते हैं प्रदोष काल की जो सही और शुभ पूजा का मुहूर्त है वो जान लेते हैं। 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर यह तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। समापन कब होगा तो 4 तारीख को होगा, 4 जुलाई को। तो चलिए, अब 4 जुलाई को समापन से हमारा कोई अर्थ नहीं है, हम जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों देखिए, वैसे तो इस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो पूरे दिन का, यानी कि पूरे दिन हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है, परंतु फिर भी हम पूजा शुभ और सही मुहूर्त में करना चाहें तो वो सही और शुभ मुहूर्त है शाम को, लगभग 6:30 बजे से। तो 6:30 बजे से आप 9 बजे तक महादेव की विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप और विशेष मुहूर्त जानना चाहते हैं तो इस बार जो है मुहूर्त आप 6:30 बजे से जो मैंने बताया उसमें भी कर सकते हैं, और शाम को आप 5 बजे से भी महादेव की पूजा कर सकते हैं। जिनको दूर मंदिर जाना है या विशेष पूजा पाठ करना है वो शाम को 5 बजे से भी अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो सब मिला जुला करके इस बार जो है लगभग 9 बजे तक, शाम 5 बजे से, या और विधिवत करना चाहते हैं तो 6:30 बजे से और 9 बजे तक आप अपनी पूजा कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आप इस मुहूर्त को नोट कर लिए होंगे। अब चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की, सुन लेते हैं कथा। अब जैसा कि जानते हैं कि प्रदोष व्रत में हर प्रदोष का व्रत बहुत विशेष होता है, परंतु इस प्रदोष में जब गणेश जी की आराधना न करें तो ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आप अपनी श्रीमुख से श्री गणेश जी का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, इसके बाद ही इस कथा को श्रवण करें। चलिए, अब आप बैठ जाइए आराम से श्री गणेश जी का ध्यान करके और प्रदोष व्रत की इस कथा को श्रवण करिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को ससुराल से लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर वह अपने नगर को लौटेगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और वर नहीं माना। सभी के आग्रह करने पर, ससुराल वालों की जिद करने पर उसने मना किया और कहा कि नहीं, उसे आज ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाना है। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह क्रोध में आग बबूला हो गया और वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। यह देखकर बहू के आश्चर्य की सीमा न रही। उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद सिपाही भी आ गया। सिपाही ने पूछा स्त्री से कि इन दोनों में कौन सा पति तेरा आदमी है। अब वह बेचारी असमंजस में पड़ गई कि क्योंकि दोनों की सकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में
अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा उसने भगवान शंकर के सामने प्रार्थना किया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा, उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि वह दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलिए भगवान शंकर जी की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणपति की जय। ऐसा करने से आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, यानी कि ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप आप लोग अवश्य किया करें और कथा श्रवण करने के बाद आरती अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं महादेव की परम प्रिय और विशेष तौर पे गाई जाने वाली आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवा हंसाजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरुक्ता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे, करके मध्य कमंडल चक्र सिसुलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा, ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वासा, ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माना, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में भी राजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन मांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। वीडियो को लाइक करने से मैं मोटिवेट होंगी और आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा आप सभी पे बरसती रहे ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव।